सितम के आग से फूलों ने गुलशन को बचाया है, मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे, सितमगर के लिए जो मौत ये जर्री जवान ठहरे, इन्हीं की जुर्रतों ने कौम को यकजा बना। लहू से अमन का चिराग जलाने का दिन, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 3 बरस बीत गए, कई माओं की गोदें उजाड़ दी गईं, शोहदा का खून आज भी ताज़ा, मासूम बच्चों की बहादुरी की दास्तानें रहती दुनिया तक याद रहेंगी, कौम का नन्हे मुजाहिदों और शोहदा को भरपूर खराज तहसीन। सारे छीनने वालों कहां तुम बच के जाओगे, तुम्हें पहचानते हैं हम, कहीं भी छुप न पाओगे, शुजात और हिम्मत का अलम हम ने उठाया है, निगहबान अमन के हम हैं, ये दुनिया को वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तानी कौम जैसी कुर्बानियां शायद ही किसी दूसरी कौम ने दी हो। 16 दिसंबर 2014 को मुल्की तारीख के सियाह यौम के तौर पर याद रखा जाएगा। बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दी, फिरका वारियत और इंतहा पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस रोना मत, अगर दूर मैं हो जाऊं तो बस रोना मत, अगर है जुदाई किस्मत में, वादा है मेरा मिलेंगे हम जरूर खुदा के पास ही। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं और दफ्तर खारजा का सानहा APS की बरसी पर दुख और गम का इजहार, कहा मासूम बच्चों की शहादत पर कौम आज भी सोगवार है, अजीम कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा, रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। कप्तान अहल जहांगीर तरीन ना अहल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। जहांगीर तरीन 62(1)F के तहत ना अहल हुए, मुल्क की आला तरीन अदालत से झूठ बोला, ऑफशोर कंपनी और हाइट हाउस को छुपाया, बनी गाला अराजी की खरीदारी के लिए जमायमा ने रकम दी, इमरान खान ने रकम वापस कर दी, अदालती फैसला। इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा, अदालत उज़्मा के फैसले और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से मशावरत होगी, इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। मरियम नवाज की तोपों का रुख एक बार फिर अदलिया की जानिब, कहती है साबित हो गया पनामा सिर्फ बहाना था, नवाज शरीफ निशाना था, आज जानिबदाराना एहतसाब और एहतसाब के नाम पर इंतकाम से तमाम पर्दे उठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस खोलने की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले ने हमारे मौकिफ पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी, फैसला सच्चाई और इंसाफ की फतह है, तमाम झूठे इल्जामात को सच से शिकस्त हो गई, हक और इंसाफ का बोलबाला हुआ।
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की जाली भर्तियों के रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इदारों पर इल्जाम तराशी मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी पर किसी के इन आउट का असर नहीं होता। ख्वाहिश है इलेक्शन वक्त पर हो, मुल्की मुफाद में इमरान खान के साथ बैठना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। सदारती उम्मीदवारों महमूदुल हसन, हैदर इमाम रिजवी और जावेद मीर में कांटे का मुकाबला। नायब सदर के लिए चार उम्मीदवार मैदान में। काला शाह काकू के करीब पिशावर से लाहौर आने वाली खैबर मेल की तीन बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक क्लियर कराने के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। आज यौम सकूत ढाका है। ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन और रिश्ता हुआ जख्म है जो शायद कभी ना भर पाएगा। 46 साल पहले पाकिस्तानी कौम ने अपने वतन को दो हिस्सों में तकसीम होते देखा, लेकिन जिम्मेदारों का तायुन ताहाल ना हो सका। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कहीं ठंडी हवाओं का बसेरा तो कहीं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। क्वेटा में शदीद सर्दी का राज, पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके भी सख्त सर्दी की लपेट में। पंजाब और सिंध में भी धुंध पड़ने की पेशगोई। मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइल का दारुलकूमत तस्लीम करने के बाद फलस्तीन में कशीदगी में इजाफा हो गया। सहूनी फौजियों की गजा पर हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। और ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर यलगार और खुदा के लिए के बाद शान का एक और शाहकार आने को तैयार। अर्थ दी डेस्टिनेशन की रिलीज में चंद दिन बाकी रह गए। जानदार कहानी पर मबनी फिल्म 21 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म के सितारों में हुमायमा मलिक, मुहिब मिर्जा और